ट्रैक पर काम चल रहा था, किसी को जानकारी क्यों नहीं थी? सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि इस बारे में रेलवे को जानकारी होनी चाहिए थी। कैफियत एक्सप्रेस के अधिकारियों से कोई संपर्क क्यों नहीं था? दूसरा बड़ा सवाल। तीसरा सवाल, रेलवे क्रॉसिंग के बगैर रेल का ही डंपर ट्रैक पर कैसे वो पार कर रहा था, या फिर वो कैसे वहां पर था? ये बड़ा सवाल। साथ ही मुजफ्फरनगर रेल हादसे से भी नहीं लिया कोई सबक। जाहिर सी बात है, 5 दिनों पहले मुजफ्फरनगर में इतना बड़ा रेल हादसा हुआ, उससे भी कोई सबक नहीं लिया गया कि 5 दिनों के भीतर एक और औरैया के पास ये बड़ा हादसा हो गया। तो आज तक ये सवाल पूछ रहा है, रेल हादसों पर रोक क्यों नहीं लगा पा रही है सरकार? आखिर हर कुछ समय में इस तरह की घटनाएं क्यों सामने आ रही है? क्यों लोगों की जान जो है वो अधर में अटकी होती है जब तक वो रेल सफर कर रहे होते हैं? रेल मुसाफिरों की जान से खिलवाड़ कब तक? तो आज तक ये सवाल पूछ रहा है। ऐसे ही पूरा होगा बुलेट ट्रेन का सपना। वाकई जिन पटरियों पर प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि हम यहां बुलेट ट्रेन चलाएंगे, अगर पटरियों का ये हाल है या फिर इस तरह से लापरवाही बढ़ती जा रही है, तो इसमें बुलेट ट्रेन आखिर कैसे चलेगा? शिवेंद्र हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। शिवेंद्र, हालांकि जो पीआरओ हैं अनिल सक्सेना, उन्होंने डीजीपीआरओ ये साफ कर दिया है कि जो डंपर था वो अनऑथराइज था। उन्होंने ये भी साफ किया कि फ्रेट कॉरिडोर का काम नहीं चल रहा है, लेकिन यहाँ पे नंबर अभी जो हम लोग सीयूजी हैं उसी पे फोन आ रहे हैं और हम लोग उसी पे जवाब दे रहे हैं। सर, ये डंपर वहाँ तक कैसे पहुंचा? ये डंपर स्वाभाविक तौर पे गिर पड़ा था, ये मिट्टी लेकर के जा रहा था, गड्ढा था, और डंपर डिसबैलेंस हो गया और डिसबैलेंस होकर के इस तरह से गिरा कि ट्रैक बाधित हो गया। और ये डंपर के पलटने की सूचना जो है 2:40 की है और 2:45 पे ट्रेन आ गई, तो इतना समय नहीं मिल पाया कि कंट्रोल रूम को बताया सके कि रास्ता बाधित हो गया है। सर, ये हादसा हुआ है, लापरवाही का कारण क्या पता चला? नहीं नहीं, ये तो अभी हम बता नहीं सकते हैं, वो तो जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन जैसे अभी एडीजी साहब ने बताया कि ये डंपर ट्रैक पर आ जाने की वजह से दुर्घटना हुई है, और रेलवे से अभी उनके सेफ्टी अफसर वगैरह आ रहे हैं, वो उसका जांच कराएंगे। लेकिन गनीमत यह है कि किसी की इसमें जान नहीं गई है, और जो घायल भी हुए हैं अभी ठीक ठाक हैं, हॉस्पिटल में है, और भगवान की दया से बहुत एक बड़ी दुर्घटना से बच गई है। सर, मिलाकर के जो पैसेंजर थे उनको गंतव्य तक पहुंचाया जा रहा है। अभी रेस्क्यू ट्रेन अछल्ला में पहुंचने वाली है, उनको अछल्ला स्टेशन तक सबको पहुंचाया जा रहा है। ट्रेन चालक भी घायल है इसमें? ट्रेन चालक के बारे में घायल है। कितनी बोगियां डिरेल हुई है सर? कितने अभी तो आप देख रहे होंगे, एक डिब्बे तो पलट गई है और 4 डिब्बे और लाइन से बाहर हुए, ये स्थिति है। सब बताया जा रहा पहले से दुर्घटनाग्रस्त था ये डंपर, तो जैसे अभी बता नहीं सकते हैं। नहीं, ये बता नहीं सकते हैं, अभी भी आप भी अभी आ रहे हैं, हम भी अभी आ रहे हैं, तो ये बता नहीं सकते हैं कि पहले दुर्घटनाग्रस्त है या उसी समय गिरा है, क्या है वो तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा। और इस वक्त कांग्रेस नेता अखिलेश प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, आज जो दुर्घटना औरैया में घटी है, रेल हादसा हुआ है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? अब कहने के लिए बचा है क्या है? ये अभी कुछ ही दिन हुए, मुश्किल से 4-5 दिन बीता होगा। केंद्र की सरकार ने, माननीय प्रभु जी ने बड़े लंबे चौड़े वादे किए थे और ये दिखाया गया था कि सबको तलब कर लिया, सबको सतर्क कर दिया, कहीं पे भी ऐसी चीज अब नहीं होने पाएगी, कोई छोड़ नहीं जाएंगे, भटके नहीं जाएंगे, ये नए फार्मूले लागू कर दिए गए हैं। फिर क्या हुआ? ट्रेन एक्सीडेंट, डी रेल हो गई, वो तो ऊपर वालों, वो सारे लोगों को भगवान का मुकद्दर कहिए कि जो बच गए सब लोग, तो अच्छी बात, संतोष है कि लोगों की जानें नहीं गईं, कुछ लोगों को चोटें लगी, ईश्वर जल्दी उन्हें ठीक करें। लेकिन दुर्घटना हुई, बड़ी हुई, बचे तो भगवान के भरोसे बचे, सरकार के भरोसे तो धीरे। यानी कि आपका क्या कहना है? साफ तौर पर इस तरह की जो घटनाएं हो रही है उसके पीछे सरकार ही जिम्मेदार है? प्रभु एकदम जिम्मेदार है, ये मंत्री बनने रहने लायक नहीं है, इन्हें तत्काल हटाया जाना चाहिए। और बाकायदे इस पे जिस तरह से दुर्घटनाएं हुई हैं उन सारी चीजों पे श्वेत पत्र आने चाहिए। इस हुकूमत में सबसे अधिक ट्रेन दुर्घटनाएं और सबसे अधिक मौतें हुई हैं, 500 से ऊपर मौतें हुई हैं इस 3 साल में ट्रेन एक्सीडेंट में, ये सरकारी आंकड़े हैं, इन्हीं के अपने आंकड़े हैं, ये कुछ बातें सिर्फ कर रहे हैं। लेकिन अगर हादसों की बात करें अखिलेश जी, तो वो तो कांग्रेस के भी शासनकाल में इस तरह के हादसे तो होते ही रहते थे।
तो फिर ठीक है, होते रहते फिर तो फिर क्या करना है, फिर किसी को क्यों चिंता करता है, फिर आप लोग भी क्यों दिखाते होते रहते हैं। तो ये कौन सी बात है, अगर घटना घटेगी तो वो तो दिखाना ही पड़ेगा ना, चाहे जिसकी भी सरकार हो। तो घटना तो वही तो जिसकी जिम्मेदारी जिसकी है जवाबदेही तो उसकी होगी ना, जिसकी जिम्मेदारी है उसकी जवाबदेही होगी। और कांग्रेस के समय इस तरह से इतनी बुरी तरीके से घटना नहीं होती थी। ये सारे रेलवे की वेबसाइट पे ही है और ये बातें करते हैं। आपने 2 रुपए का प्लेटफॉर्म टिकट 20 रुपए कर दिया, सिर्फ कैंसिलेशन से आप 2500 करोड़ रुपए कमा ले रहे हो। 70% फेयर बढ़ाया आपने सिर्फ पैसेंजर सवारियों का टिकट का, गुड्स ट्रेनों का अलग बढ़ाया है। हम लोगों के समय में 10 साल में कोई फेयर नहीं बढ़ाया गया था और रेलवे प्रॉफिट में थी, सब सिक्योरिटी पे और चीजों पे बकायदा ध्यान दिया गया। लेकिन ये बताया जा रहा है, अभी तक जो हमारी बातचीत हुई है रेलवे के अधिकारियों से, वो कह रहे हैं कि भाई इसमें हम क्या कर सकते हैं, ये अनऑथोराइज तरीके से कोई लेकर डंपर घुस गया तो हम क्या करें। अरे अनऑथोराइज तरीके से घुस गया तो नो मैन क्रॉसिंग अगर है या कुछ है तो उसपे भी क्रॉसन होता है, लोग होते हैं, बताया जाता है। ये यार कोई डंपर लेके घुस गया तो हम क्या करें। वो अगर सड़क है और सड़क पे अनमैन लेवल क्रॉसिंग है तो उसपे भी तो क्रॉसन है, उसपे भी तो गेट बंद होते हैं। लेकिन ये कह रहे हैं कि हर जगह पटरियां तो हर जगह बिछी हुई हैं, हम हर जगह लोग खड़े नहीं कर सकते ना। हाँ तो वो तो खत्म करने का था ना। हम लोगों का समय 12-13 हजार 14 हजार से ऊपर था, 8-9 हजार सिर्फ 5 साल में खत्म कर दिया था। अभी भी 6 हजार बचे हैं अनलेबल मैन क्रॉसिंग, कितने खत्म किए इन्होंने 3 साल में। हमको तो लगता भी नहीं कि 500 भी खत्म कर पाए होंगे उसको, जो खत्म करना था, चाहे वो फ्लाईओवर बनाना था, चाहे ओवरब्रिज बनाना था, चाहे अंडरपास बनाना था, क्या किया इन्होंने। जितनी रेलवे फ्रेट कॉरिडोर हम लोग शुरू करके गए थे उसका काम रुका है। सुपरफास्ट ट्रेनें जो 10 हम लोगों ने 10 रूट चूज किए थे, आपको लगता है अखिलेश जी कि जिस तरह की स्थिति फिलहाल है देश में, आने वाले समय में बुलेट ट्रेन कभी पटरियों पर दौड़ पाएगी।